देखिए इसमें ग्लास लगा हुआ है, अब देखिए स्विच दिया हुआ है, यहाँ से ग्लास लगा। भाई पूरा खदान लगा हुआ है हेलमेट का, बनी वाले हेलमेट और मास्क भी लगे हुए हैं यहाँ पे। हेलमेट अगर आपका एक्सीडेंट में अगर थोड़ा डैमेज हुआ है, कभी भी एक्सीडेंट के थ्रू गया हो, तो उसको यूज़ करना सेफ हो है कि नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हमको इसको सही करके यूज़ करना चाहिए कि नहीं, और कितना ये अभी भी सेफ है यूज़ करना, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पूरा देखिए सेटल हो गया। यहाँ पे एग्जॉस्ट के भी हेलमेट रखे हुए हैं, जल्दी एग्जॉस्ट के हेलमेट रखते नहीं हैं। अगर आपका वाइज़र भी नहीं टूटा है और ना ही आपके हेलमेट में कोई प्रॉब्लम आई है, लेकिन जहाँ से वाइज़र कनेक्ट होता है, जैसे मेरे में प्रॉब्लम आई है, वो चीज़ टूटी है, तब क्या करें। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि कोई भी आप वीडियो मिस ना करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? सो आ गया हूँ मैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताऊंगा कि हेलमेट अगर आपका एक्सीडेंट में अगर थोड़ा डैमेज हुआ है, कभी भी एक्सीडेंट के थ्रू गया हो, तो उसको यूज़ करना सेफ हो है कि नहीं। जब मेरा लास्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था, जिन्हें वो वीडियो नहीं देखा हो जाके देख सकता है, मैं आई बटन पर दूंगा, जिसमें मैंने बताया था क्या मेरा कैसे एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें देखिए ये इसका हल्का सा यहाँ से डैमेज हो गया है, और कहीं पे भी कुछ भी नहीं हुआ है। और ओवरऑल मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा घुमा के, कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़े बहुत स्क्रैचेस लगे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हमको इसको सही करके यूज़ करना चाहिए कि नहीं, और कितना ये अभी भी सेफ है यूज़ करना, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि कोई भी आप वीडियो मिस ना करें। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे हेलमेट में क्या प्रॉब्लम है। जिस मतलब माउंट पे ये मिरर मतलब वाइज़र अटैच होता है, वो वाइज़र हो गया है डैमेज। डैमेज क्या हुआ है, उसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, रुकिए मैं दिखाई देता हूँ आपको, निकाल के ऐसे निकल जाता है। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगती है, ये देख रहे हैं आप, ये जो ये अटैचमेंट देख रहे हैं, ये इसके अंदर जाती है। यहाँ पे एक लगी रहती है स्प्रिंग, जो इसको मूव करने से रोकती है, वो स्प्रिंग इसकी निकल गई है। बाकी ये परफेक्टली पूरा फाइन है और कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको अपना हेलमेट तो दिखाई दिया, उसकी कंडीशन क्या थी, और अगर कोई भी आपका कभी भी एक्सीडेंट होता है और आपने हेलमेट पहना है और आप लाइक बिल्कुल सेफली बच गए, और एंड में ये डिपेंड करता है कि आपके हेलमेट की कंडीशन क्या है। अगर उसको कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं हुआ है, मतलब कहीं से क्रैक वैक नहीं हुआ है, ना कहते नहीं पंच नहीं पड़ा है कहीं पे, जैसे कि नहीं होते बीच में कहीं स्पॉट जैसा पड़ जाता है जहाँ पे थोड़ा लाइक कम दिखने लगता है, बहुत ही झटका लगा है, ऐसा अगर कोई हेलमेट है तो मैं कहूँगा उसको बिल्कुल ना यूज़ करिएगा, जिसमें हल्का सा क्रैक आ जाए या कहीं पर पंच आ जाए, जिससे आपको लगे कि हाँ ये बंद मतलब हेलमेट कहीं से अब वीक पॉइंट आ गया है। लेकिन अगर आपके हेलमेट में कोई भी क्रैक वैक नहीं है, तो आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये लाइक सर्टिफाइड होता है कि कोई भी हेलमेट जो आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, अगर आप वेगा और स्टड या कोई भी अच्छे ब्रांड का यूज़ करें, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यूज़ करने में हेलमेट, अगर वो कहीं से भी क्रैक ना किया हो। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हेलमेट आपका कहीं से क्रैक नहीं हुआ है, बस वाइज़र से क्रैक हुआ है, तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वाइज़र का लाइक मेन बॉडी से कोई पूरा कनेक्शन नहीं होता, वाइज़र बस मेन काम क्या करता है आपका, व्यू के लिए होता है, और वो ऑब्वियसली बहुत कमज़ोर होता है, वो तो क्या आपके हाथ से भी टूट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे ये है बस कि अगर आपका वाइज़र टूटा है और कोई पॉइंट में दिक्कत नहीं आई है, कहीं पे भी साइड वाइड्स में दिक्कत नहीं आई है, तो आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको रिप्लेस करके आप यूज़ करा सकते हैं। मेरा वेगा का हेलमेट था, उसका वाइज़र क्रैक नहीं हुआ था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए थे, तो मैंने उसको रिप्लेस करके वापस से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जो मैं अभी पहना हूँ, जिस पर मेरा गोप्रो अटैच है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से वाइज़र रिप्लेस करके अपना हेलमेट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा हेलमेट बढ़िया है, कौन सा नहीं, आपको कौन सा लेना चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, देखिए आई बटन पे आ रहा होगा, आप उसको जाके देख सकते हैं, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सा अपने लिए हेलमेट लेना चाहिए, अगर आप लेना चाहते हैं,
या कोई भी चीज़ सोच रहे हैं कि सस्ता लूँ महंगा लूँ, कुछ भी आप सोच रहे हैं, तो वो पूरी डिटेल वीडियो है, आप आराम से उसको जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आराम से देखिए और अपने लिए चॉइस करिए कि कौन सा आपके लिए परफेक्ट है, आपके बजट के हिसाब से परफेक्ट है। अब आ जाता है लाइक थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, अगर आपका वाइज़र भी नहीं टूटा है और ना ही आपके हेलमेट में कोई प्रॉब्लम आई है, लेकिन जहाँ से वाइज़र कनेक्ट होता है, जैसे मेरे में प्रॉब्लम आई है, वो चीज़ टूटी है, तब क्या करें? देखिए, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका हेलमेट कौन से ब्रांड का है। जैसे मेरे पास एक ब्रांड का हेलमेट है जो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना कहीं से डैमेज हुआ है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि उस ब्रांड का हेलमेट मतलब यहाँ पे है ही नहीं, और ना वो ब्रांड कंपनी यहाँ पे है, और है भी तो मुझे नहीं लगता वो लखनऊ में कहीं है, दिल्ली में होगी या पुणे में होगी, ऐसी जगह पे होगी, तो वो रिपेयर नहीं हो सकता है। उसका वाइज़र टूट गया था और साइड वाला तो सही है, सिर्फ वाइज़र ख़राब हो गया, तो अब वो नहीं सही हो रहा है। और ऑनलाइन भी मैंने कई बार सर्च किया है, लेकिन मुझे वो वाइज़र नहीं मिल रहा है, तो अब वो हेलमेट बेचारा पड़ा हुआ है। तो अगर आप स्टड्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका बेनिफिशियल होता है, स्टड्स हो गया और आपका वेगा का हो गया, ये सारे हेलमेट हैं, इनकी एक्सेसरीज ईजिली भी मिल जाती है और बहुत सस्ती भी होती है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं पे भी आप, मुझे लगता है किसी भी सिटी में हो, ईजिली आपको सामान उसका मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं ऑफलाइन इसीलिए लगवाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से। मैंने एक बार वाइज़र रिप्लेस कराया है, तो वहाँ से मैं जाके लाइक अपना वो भी सब चेंज करवा सकता हूँ, तो वहाँ जाऊँगा चेंज करवा लूँगा, और कोई भी प्रोटेक्शन के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत, बस डिपेंड करता है कि आपका क्रैक हुआ है कि नहीं। पूरी बॉडी को अच्छे से एक बार चेक कर लें, कहीं पे क्रैक है कि नहीं, कहीं पे कोई पंचेस वाले निशान नहीं पड़े हो, जैसे पंच पड़ जाता है बहुत तेज़ से तो होता है ना, पैडिंग भी अंदर की पूरी ख़राब हो जाती है, थोड़ा बहुत वो समझ नहीं आता है, तो उसको देख लिए। कहीं से भी आपका क्रैक है तो यूज़ ना करिएगा उसको, लेकिन अगर ऐसे जैसे मेरे हेलमेट की कंडीशन है, सिर्फ वाइज़र टूटा है बाकी कुछ नहीं, तो आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आ गए हम लालबाग और यहीं पे हम चेंज कर आएंगे। यहाँ पे मतलब इजीली मिल जाता है आपको, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब लखनऊ में और भी जगह बहुत चेंज होता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जगह चेंज करवा सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे स्टड्स, और ये देखिए यहाँ पे वेगा का लगा हुआ है, तो यहीं पे चलिए पूछ लेते हैं होगा कि नहीं। इसको वो करना है इसका, ये नहीं नहीं फिर देखिए हेलमेट्स कितने लगे हुए हैं भाई, बहुत प्यारे प्यारे। यहाँ पे एग्जॉस्ट के भी हेलमेट रखे हुए हैं, जल्दी एग्जॉस्ट के हेलमेट रखते नहीं हैं, कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये वाला कितने का होगा? हाँ, 2000 यार, एग्जॉर का ही है, तो शील्डबर्ड का है। आधे घंटे कौन वेट करेगा, तो हम ऐसी जगह ही लगवा लेते हैं जहाँ पे हमको बंदा मिल जाए, सामान भी मिल जाए। इसको वो कराना था, इसका ये टूट गया है, इसमें जो फिक्स होता है नहीं, बस ये क्लिप चेंज हो गई। हाँ ब्लैक फिल्म का भी है क्या? हाँ कर दिया, तो 50 रुपये की क्लिप है। मुझे ब्लैक वाला अगर लेना है तो मैं लूँगा जो प्योर ब्लैक है, जो मेरी गाड़ी के ऊपर सेट होगा। ये देखिए बनी वाले हेलमेट और मास्क भी लगे हुए हैं यहाँ पे, ले ले गया यार भाई पूरा खदान लगा हुआ है हेलमेट का, छोटे से छोटे। इसको देखिए क्यूट लग रहा है, हो गया ऊपर देखने, कोई नहीं, पूरा देखिए सेटल हो गया, और कहीं से भी देखिए मेरा क्रैक नहीं था जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, तो इसको आराम से मैं रीयूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए ये बस स्क्रैचेस लगे हैं, तो सेट हो गया, ये अच्छा लग रहा है। ये भी ये देखिए इसमें ग्लास लगा हुआ है, ये कैसे ओपन ऑन होता है? ऐसे ही, ये अच्छा यहाँ से, यहाँ पर देखिए स्विच दिया हुआ है, यहाँ से ग्लास लगा, और इसमें ये भी है, तो ये चीज़ बढ़िया है, इसमें दो दो ग्लास हैं। अच्छा इसकी पैडिंग भी बहुत ही अच्छी है, जो मैं यूज़ करता हूँ उससे ज़्यादा अच्छी पैडिंग है इसकी, और इसमें अच्छी पैडिंग है इसकी। हमने बनी भी ले लिया है सेम यही वाला, तो अपने लिए तो पहन के देखेंगे, अब प्लान नहीं था, दिख गया तो ले लिया भाई और ऑरेंज कलर से अपने बाइक के रिम से मैच भी करेगा, तो
ड्यूक पे और आरसी दोनों पे। 50 रुपये में भाई अपना काम हो गया, और क्या चाहिए भाई। 50 रुपये में आपका पूरा हेलमेट सही हो गया, और मुश्किल से शायद 150 रुपये का वाइजर पड़ता है। बनी ख़रीदा है तो बनी नेक्स्ट वीडियो में, किसी व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं, किसी व्लॉग में दिखाएंगे आपको, और बढ़िया उसको पहन के घूमेंगे और लोगों का रिएक्शन बटोरेंगे। वैसे मैं रिएक्शन वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कई रील्स में देखा था, तो मैंने सोचा था यार मैं भी ख़रीदूँगा, तो दिख भी गया तो मुझे मैंने ले लिया। तो यही था इस व्लॉग में गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।